वेल हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बेसिकली आप लोगों के लिए कैसे शेयर लेके आया हूँ जो साल में हमेशा 4 से 5 बार डिविडेंड देती है और बोनस भी देती है, उसी के लिए एक रिगार्डिंग बहुत बड़ी ज़बरदस्त शेयर लेके आया हूँ। पहले देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी का जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 50 फ्यूल स्टेशन श्रीलंका में ओपनिंग कर रही है अपनी, जो एक्सपोर्ट यहाँ से करेगी, तो वह ज़बरदस्त न्यूज़ रही है। अगर मैं कंपनी के डिविडेंड की बात करूं प्रेजेंट में, ये 11 से लेकर 12 तारीख के डेट में कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, वो 2.5 रुपीज़ के पर शेयर के हिसाब से वो डिविडेंड देगी, जो ये ज़बरदस्त न्यूज़। और डिक्लेयर जो करेंगे इंड फाइनल 17 अगस्त को ये इंड करने वाली है। अगर लास्ट दिन वहाँ पर कंपनी के ट्रेड की बात करें, जो हाइएस्ट रही 73.75 रुपया रही और लोएस्ट रही 72.40 रुपया, यानी ज़बरदस्त जर्नी रही कंपनी की यहाँ पे लास्ट 1 वीक में। अगर यहाँ पे रेटिंग की बात करें, कंपनी की रेटिंग भी बहुत ज़बरदस्त मिली है और बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है, तो उसका भी हम स्क्रीन लगा देंगे वहाँ पे। जो मेन न्यूज़ है उसके ऊपर मैं बात करूँ, देख सकते हैं लास्ट 1 वीक में अच्छी खासी ग्रोथ ली है, 71 रुपया से लेकर 73, ऑलमोस्ट 73 रुपया की ग्रोथ, एक अच्छी जर्नी रही है। और उम्मीद है कंपनी यहाँ से अब और बहुत सारी अपडेट है, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन त्रिपुरा से बांग्लादेश भरते हुए ये ट्रांसपोर्टिंग का काम भी करेगा वहाँ पे, जो एक अच्छी सब ये सब न्यूज है। अगर सेल ग्रोथ देखें लास्ट 1 ईयर में 55% से अबव ग्रोथ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 10% से अबव रही है, आरओई पे देखा है तो लास्ट 1 ईयर में 20% रही है, आरओसी पे नज़र डाला है लास्ट 1 ईयर में 16% से अच्छी अबव रही है, जो एक अच्छी बात। डेट की बात करें कंपनी के ऊपर 1 करोड़ से कम भी कम डेट है, अगर पॉइंट में बात करें 0.84 करोड़ है डेट। प्रमोटर होल्डर सेम टू सेम अभी 51% प्रमोटर होल्डर है, और यहाँ पे फॉरेनर इन्वेस्टर पे नज़र डाला है तो वहाँ पे एक अच्छी पोजीशन बना के रखी है, 8% से अबव है, और DI पे नज़र डाले 11% से अबव है, जो एक अच्छी बात है इन्वेस्टर के नज़रिए से।